बिल्कुल वियर्ड सुन रही है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड लेकर आ गई राउंड टू हेल का एक और वीडियो बिहाइंड द सीन। 1959 का है और ये काफी टाइम से पेंडिंग था, उसके लिए माफी चाहूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन लेकर आई हूं मैं फाइनली, ठीक है, नाराज नहीं होना है। ओके, तो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही, जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट करके बताना कि और किसके वीडियो में रिएक्शन चाहिए है, या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, मेरे सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग हमारे ये वीडियो का साइड पे, बाकी बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2-1 एक्शन। राउंड टू हेल ने खिलाए हमको पत्ते, रोटी के नाम पे हमें खाने पड़ रहे हैं पत्ते। पिलखन खा तो रहा हूँ भाई, रोटी कौन खा ले, इस पर आप कपड़े भी सुखा सकते हैं। हैरी पॉटर सरपंच, हैरी पॉटर सरपंच जाओ, उड़ जाओ, उल्टा होगा, चक्कर लगा, चक्कू दिए, चक्कू सीन हो गया भाई, और हां ये वाला सीन हो गया। लगेगी यार सच में, बस 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 बस, अरे बस बस, पेंट रहा, पेंट रही, पेंट रही। गाइस रात का इंतजार हो रहा है, थोड़ी रात हो फिर ये आग वाला सीन करेंगे हम लोग। चुप चुप चुप, सारे फर्जी सस्ते जिन, तू फेर दा कीता की है मेरे लिए, लैम्बोर्गिनी मंगी सारा सेंट्रो दे रहे हैं, अक्षय कुमार मंगया जी पता नहीं केड़ा कुमार देता, ये ऐना ही शौक है तो साडी बुन मार ले। तू पंजाबी बता दूं, तुम हिंदी बनाओ। कल दो बंदे सी, सूरवर की शक्ल सी ते पेड़ ते यादा बनाउण चढ़े सी, स्मार्ट क्या लग रहा है? अरे जाने के लिए बचपन से हमारा सबसे ज्यादा फोकस पढ़ाई को लेकर था, हम चाहते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है वो लोग समझें और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, सभी जानते हैं। तो हम जा रहे हैं, लोग यहाँ के इमोशनल हो गए थे, थोड़ा रोने लगे थे, ये आंटी थी जिनके हम रुक रहे थे शूट के टाइम पर, तो बहुत इमोशनल हो गए और बहुत ज्यादा रोई, उन्हें समझाया कि आंटी हम आते रहेंगे, ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर हमारी पाठशाला हुआ करती थी जो कि अभी नहीं है। तो भाजपा आज थोड़े इमोशनल हो गए हैं हमारे जाने के कारण। इमोशनल होने का एक कारण है बहुत बड़ा जी, क्योंकि जब ये रियलाइज होता है ना कि ये चीजें आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं होने वाली, तो इमोशनल होना बनता है। तो इतना कौन रोता है भाई, मैं रोया नहीं था अभी तक, मैं रोया नहीं था, वहां पर एक आंटी रोई, उनको देख कर मैं रोया। अच्छा ये कौन सी बात हो गई, यहाँ पे अजीब और गरीब आवाज आ रही है जंगल से, काफी खतरनाक नजारा है ये, और हमारा तो रोज का हो चुका है, रोज इतनी बढ़ती है, देखिए रास्ते देखिए। ग्रीन कैप वाले इधर आओ, ग्रीन कैप वाले इधर आओ, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, खड़ो अनिल भाई, अनिल भाई अब इनसे बोलना आपको, यारे हमने नहीं ली है तुम्हारी लुगाई की, बिना से, बिना से, अरे हमने नहीं ली है तुम्हारी लुगाई की, हम झूठ काहे बोलेंगे, झूठ काहे बोलेंगे, बिना से देखो, बिना से देखो, मुझे डर से, ए मुरली, हाँ सरपंच जी, बिना से, ए मुरली, हाँ सरपंच जी, नाइस, और कम हंसी और। असल में ये ट्रैक्टर जो हट रहा है ये सूट की लोकेशन की वजह से हट रहा है, क्योंकि यहाँ पर खाट आई है और यहाँ पर खड़ा था, अब इसको ढकेल कर रहे हैं क्योंकि चाबी नहीं है। वाओ सिक्स पैक एब्स।
भाई एक टैग इतना बड़ा है इसका, इतना बड़ा हमारे एक काफी अच्छा करता था, बट बाद में हमें पता चला कि हम गंदे और ये सिर्फ कराए इन भाई साहब ने। पहले कह रहे आपको वो सीरियस एक्टिंग करनी है एंड फिर ओवे ओवे नहीं क्या तुम ये कैरेक्टर करना कैसा लगा हमारा रिएक्शन ऐसे, मतलब ये हुआ क्या हमारे साथ? पहले हम बुक पढ़ रहे थे और फिर थोड़ी देर में नहीं चुको हो रहे देखो बिना कोरियोग्राफ बिल्कुल कोई कोरियोग्राफ नहीं है सीन का, ये बिल्कुल रियल चल रही है। Oh my God, बहुत लगी देते रहो सच्ची। सीना सीना में इसमें कोई कोरियोग्राफ नहीं, जबरदस्ती ये बंदा अलग से कोटा फिर रहा है। ये जो है ना इसमें नहीं है वहां तक ठीक है, वहां तक नहीं हम लोग बहुत टाइम से इसको शूट करने का सोच रहे थे बट लोकेशन की वजह से रुका हुए थे एंड फाइनली वी हैव फाउंड दिस लोकेशन। ये है कि खाना क्या खाएं साहब, प्रॉब्लम ये रहा वो राजमा चावल खाते खाते पक गए, इतने राजमा चावल खिलाए इतने राजमा चावल खिलाए हैं कि हर जगह से राजमा चावल निकल रहा, एक राजमा चावल ही निकल रहा। मुझे लग रहा है मौसम चेंज हो गया, दोबारा बारिश होगा। ओ गाइस बारिश आ गई है, गाइस बहुत ही तेज बारिश आ गई है फिर से शूट पे और शूट रोकना पड़ेगा, बारिश आ गई है। बीटेक पढ़ने के लिए बच्चे तैयार हैं सर, मुझे वैक्सीन बनानी है, कोविशील्ड का बनाई थी मैंने, पहले जाके कपड़े बना, आने वाले फ्यूचर के लिए, लोग बोल रहे हैं 50 साल तक वैक्सीन बना के रख दूंगा। ये यहाँ पर जानवर वगैरह आते रहते हैं, हाथी और हिरन वगैरह नॉर्मली घूमते रहते हैं, तो थोड़ा डर लग रहा है, डर नहीं लेकिन मजा भी आएगा अगर दिख गया। अरे कौन है भाग, अरे बर्नौली थ्योरम पढ़ाई ने एक्शन, ये गांव की जिम्मेदारी हम कम पर छोड़ कर जाते हैं। जितने लोग हैं उधर देखो सारे लोग हंस रहे, सारे लोग हंस रहे, इससे क्या पता चलता है? कब तो खैर मरी मैं नहीं इधर। ये बहुत अच्छी लोकेशन लग रही है अपनी सूट जैसी थोड़ी थोड़ी, एंड गैरवा रंग क्या दिखाओ, गैरवा रंग दिखाओ, ये कौन सी लोकेशन लग रही है, कौन सी मूवी की बताओ? ये है इंटरस्टेलर मूवी, हाँ जिसमें कार लेके जाता है इसमें से निकाल कर, ओहो तूफान भी आने वाला, वही वाला क्या नाम बताओ उसके तूफान का? तो हम क्रिस्टोफर नोलन की एक लोकेशन पे आ गए हैं, इंटरस्टेलर वाली नोलन। अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई, क्या नमाज पढ़ी थी कभी? ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे ऐसे लोग भी अपनी टीम में, बहुत अच्छा लगा देख के, और ऐसे ऐसे लोग भी अपनी टीम में। गाइस ये है सब कुछ,
ने असली वाले इस गांव के जो सरपंच जी हैं उनका लड़का okay. तो मेरा इधर कोई ए सुनता ना है जरा भी, पूरे गांव में घूमता रहता है। जी बाबू जी थोड़ा कहना मान लेकर है, एक होता है ऐसा लड़का, एक होता है ऐसा कहना मानता। ये सुबह कितने बजे उठता है? 4 बजे और तू शाम के 4 बजे टाइम पास कैसे करते? जैसे हम लोग तो मोबाइल वगैरह चलाने लगते हैं, वेब सीरीज देखने लगे और मूवी वगैरह में और दोस्तों के साथ हो गए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, जब जब मेरा सीन आ रहा है ना शूट पर तो बारिश होने लगती है, मैं पूरा गेटअप ले लेता हूँ यहाँ से, ये सब पहन लेता हूँ, जैसी पगड़ी डालता हूँ लास्ट को तो बारिश होने लगती है। दुआ करी थी मैंने, दुआ की है कि ये जो बारिश का मौसम हो रहा है हमारे सीन होने हैं बाहर, मैं चाहता हूँ बारिश ना पड़े तो 7 बजे तक बारिश ना पड़े ऐसी मौसम रहे, मैंने दुआ करी है सच्चे दिल से। चलो भाई सच्चे दिल से किए तो डेफिनेटली मिलेगी। 7 बजे का टाइम रोड पर, अच्छा 7 बजे का टाइम बाद बारिश पड़ेगी, पहली मेरी बात सुन ले। काफी खतरनाक हो रहा है जैन भाई का बारिश में सीन, जो कि यहाँ बारिश बहुत ज्यादा तेज पड़ रही है। कैसे लेटे हैं ये? अब इनका लेटने का रीजन ये है कि इनमें एक्टिंग आ जाए गांव वाले की, गांव वाले कैसे जीते हैं, यही रीजन है, यही रीजन है, रीजन ये नहीं है, बजट गिर गया है राउंड 2 का, बिल्कुल बजट जिंदा बजट गिरा है। क्या है मजबूरी है, मजबूरी ये एक्टिंग में घुसने की वो नहीं है, ये मजबूरी है। पूरा इंटरव्यू है ना, क्यों छुपा करो, कैमरा इधर करो, इधर करो जैन भाई। फैसिलिटी मिलेगी, वैनिटी बस मिलेगी, एसी रूम मिलेंगे, डाइनिंग टेबल पर डिनर होगा तुम्हारा और स्विमिंग पूल की फैसिलिटी होगी। यहाँ समझ यहाँ समझ, ये देख रहे हो आप 4 दिन से नहाए नहीं है, कंडीशन देख इस कदर गंदगी की मैं दिमाग में। काकू बाय बाय करो, वहां पे आंटी रो रही है, इमोशनल हो गई है, हम लोग जा रहे हैं तो आज छोड़कर पैकअप हो गया यहाँ का, तो आंटी थोड़ा इमोशनल हो रही है, परिवार बन गया साकू। अरे रोना नहीं है साकू यार, हैं देख मम्मी कितना रो रही है, आंखे लाल हैं इसकी, आते रहेंगे हम भैया। ओके जैसा मैं सोचा था उससे बहुत 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 अच्छा था, ठीक है। एंड इससे पहले वाला भी मैं पार्ट कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखा है तो उसके वीडियो का लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप लोगों को आई बटन में यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। और रही वीडियो की बात, तो कब जो है 10 मिनट्स निकल के नहीं समझ में आया, 10 to 12 मिनट्स सीरियसली एकदम। एक बात बोलू, ऑफकोर्स जो एक बात बोली थी वहाँ के बंदे ने, ठीक है, कि जब तुम्हें पता हो ना कि तुम्हें ये मोमेंट या ये चीज़ वापस जिंदगी में नहीं मिलने वाली है, ठीक है, तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स इमोशनल होता है इंसान और आंखों में से पानी आता ही आता है। और वो मैं किसी और रीजन से जो है ना एकदम से रिलेट कर पाई, ठीक है, एक टाइम आएगा तो मैं जरूर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और दूसरी चीज के बहुत ही सपोर्टिंग थे गांव वाले, और मुझे भी पता चला कि वो जो है ना पंजाबी लोग थे सारे के सारे, और जो बीच में पंजाबी बोलकर जिस तरीके से टांग खिंचाई हो रही थी बहुत मजेदार था वो वाला अपना सेक्शन, ठीक है। एंड बस यही बोल सकती हूँ, एकदम जुबान बंद है मेरी, ठीक है, कि अल्फाज नहीं है बोलने के लिए।
तो वीडियो खत्म करना ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप लोगों को भी उतना ही इमोशनल, उतना ही टचिंग, उतना ही सब कुछ लगा है जितना मुझे लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, एंड ऑफ कोर्स राउंड टू हेल्थ के फैंस के साथ में। बहुत मेहनत की रे पापा सच्ची, सीरियसली। एंड दूसरी चीज ये कि अभी तक मुझे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने, एंड मुझे यहाँ तक देखने के लिए रियली थैंक यू सो मच गाइस। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू, बाय बाय।